रचिन ने रचा इतिहास। सचिन तेंदुलकर को छोड़ा झटके में पीछे। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप के 35वें मैच में महान सचिन तेंदुलकर का एक महारिकॉर्ड टूट गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस रिकॉर्ड को विराट कोहली तोड़ना तो दूर छू तक नहीं सके थे। टॉस जीतकर बाबर आजम ने न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी का न्योता दिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने दोनों हाथों से कबूल करते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। अपना डेब्यू मैच खेल रहे कीवी बल्लेबाज ने सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है। 23 साल के कीवी बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 का तीसरा शतक जमाया। उन्होंने 94 गेंदों में 108 रनों की पारी खेली, जिसमें 15 चौके और एक छक्का शामिल था। इस शतक के साथ ही रचिन 25 की कम उम्र में रहते हुए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में महान सचिन तेंदुलकर के 2 शतकों को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली इस मामले में सचिन के बराबर भी नहीं पहुंच सके थे। रचिन ने सचिन तेंदुलकर के एक और बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। 25 से कम उम्र में वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वो सचिन के बराबर पहुंच गए हैं। सचिन के नाम 523 रन थे, रचिन के नाम भी इतने ही रन है। हालांकि वो इस रिकॉर्ड को सिर्फ एक रन बनाते ही तोड़ देंगे। इस मामले में बाबर आजम का भी नाम आता है। बाबर ने 474 रन 2019 वर्ल्ड कप में बनाए थे, जबकि एबी डिविलियर्स 372 रनों के साथ तीसरे नंबर पर है। रचिन न्यूजीलैंड के लिए एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। रचिन का ये डेब्यू वर्ल्ड कप सीजन है और वो अब तक 3 शतक ठोक चुके हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जैसे ही रचिन के बल्ले से अर्धशतक निकला, उन्होंने राहुल द्रविड़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अपना पहला वर्ल्ड कप खेलते हुए सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने के मामले में रचिन ने द्रविड़ की बराबरी कर ली है। इसके साथ ही वो 5 मेडन वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 5 बार 50 स्कोर करने वाले दिग्गजों के क्लब में शामिल हो गए हैं। द्रविड़ ने 1999 वर्ल्ड कप में 5 बार ऐसा किया था, जबकि रचिन ने भी वर्ल्ड कप 2023 में 5 बार ऐसा कर लिया है। क्रिकेट की टॉप खबर हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।